जो लोग कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 में अप्लाई किए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी यह न्यूज आई है कि एक पद पर 395 दावेदार हैं, यानी कि जो वैकेंसी निकली थी 1403 पोस्ट के लिए उसपे 5.36 लाख आवेदन आए हैं, यानी 5.5 लाख लगभग आवेदन आ गए हैं 1403 पोस्ट के लिए। तो उस हिसाब से जब रेशियो निकालेंगे तो एक पोस्ट पे 400 के करीब आएगा ये दावेदारी, यानी यहाँ पे एक पोस्ट है और 400 लोग उसको कॉम्पिटिट करेंगे उस पोस्ट के लिए। तो आप देख लीजिए कि कॉम्पिटिशन कितना टफ है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किसी भी टाइम का इंतजार मत करिए, आप अभी से तैयारी में लग जाइए अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। यहाँ देखिए, अंकों के खेल में पड़ेंगे भारी कौन लोग, अंकों के खेल में भारी पड़ेंगे तो वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ इंटरमीडिएट तक की थी। अगर इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने जो जिन्होंने स्नातक किया है या उससे भी ज्यादा की डिग्री रखे हैं उन्होंने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है, तो उन लोगों से भी आपका कॉम्पिटिशन होगा। यहाँ पे देखिए 65 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 130 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 0.5 मार्क्स का होगा। बाकी बचे 35 नंबर में से आपको 20 नंबर जो है इंटरमीडिएट के रिजल्ट पे और 10 नंबर आपके स्नातक के रिजल्ट पे और 5 अंक जो है खिलाड़ियों के लिए रखा गया है, यानी आपका मेन जो है वो 95 नंबर का ही है। अगर आप खिलाड़ी नहीं है तो 95 नंबर में आपको कॉम्पिटिट करना है और अपने को मेरिट लिस्ट में लाना है। इसके लिए अच्छा होगा कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दें और वैकेंसी से जुड़ी जो भी न्यूज रहती है वो आपको अपडेट कर दी जाएगी यहाँ इस चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी का मुझे पता चलेगा मैं अपडेट करता रहूंगा यहाँ पे। साथ ही साथ रिजल्ट जब भी निकलता है उसका भी अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई वैकेंसी कहाँ निकली है उसका भी अपडेट मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगी, जो ज्यादातर लोग भर पाएंगे जिस फॉर्म को उसके बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा। थैंक यू।